जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो यह है, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हो, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राज्यसभा सांसद आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, और इस विषय पर आप विहंगम दृष्टि डालेंगे कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हो और उसी के साथ साथ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी। आप लोग देख रहे हैं कि जो है आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ओबीसी को तो उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिल नहीं पाई है, शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिल चुकी है। साथियों, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अन्य ग्रुपों में भेजिए, ताकि आज बहुत बड़ी चर्चा है। और आज हमारे सम्मानित आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, जो राज्यसभा सांसद है और समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े एक लीडर हैं, और क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है कि जितनी भी जो है देश की आबादी है, उस आबादी में से बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यक लोग हैं, बहुत जिनकी आबादी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा पदों पर काबिज हैं, और जिनकी आबादी ज़्यादा है वो बहुत ही कम साधनों पर उनका जो है अधिकार हुआ है, मिल पाया है। और मैं बिना समय गवाए आदरणीय सांसद जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ इस विषय पर। साथियों, जो जो आज का जो विषय है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उनको देख करके ये रखा गया है। ये पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो सदियों से दबाए गए हैं, और संविधान लागू हुए आज लगभग 70 साल हो चुके हैं, और आज भी ये पिछड़ा वर्ग, दबे कुचले वंचित समाज के लोग अपने हक अधिकार को पाने में असहज महसूस करते हैं। आज भी जो है उनके साथ घोर जाति अन्याय अत्याचार होता है, कई घटनाएं घटती हैं उस पर जो है कुछ ऐसे दबंग और शासक जाति के लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं, और हम सब का दायित्व है कि उस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी को। सर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा पहला विषय है, इस विषय के दो हिस्से हैं कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी हो ताकि सामाजिक न्याय स्थापित हो सके, इस पर आपका क्या कहना है? जी सर, सबसे पहले सभी साथियों को जो सुन रहे हैं, जय भीम, जय भारत, और देश के में सभी किसानों, नौजवानों को इस समय जय जवान जय किसान भी चल रहा है। किसान हमारा दिल्ली के बॉर्डर बैठा है, उनको भी सलाम करते हैं। आज सवाल जो जाति जनगणना आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, ये बहुत ही अहम सवाल है। हम लोग लगातार सड़क से लगा के पार्लियामेंट तक लगातार हम लोग प्रत्येक जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसमें करते चले आए हैं, और हम लोग विभिन्न नियमों के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जब जाति जनगणना 1931 में हुई उसमें जाति जनगणना का कालम था, 1941 में जनगणना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ, इसके बाद जाति जनगणना का कालम हटा दिया गया, और 2011 की जो जनगणना हुई उसमें पार्लियामेंट के अंदर हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी और विपक्ष के सभी साथियों ने ये मांग की थी कि हमारी जाति जनगणना कराई जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आश्वासन आया था और उन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन कुछ साथियों का मत है कि जाति जनगणना का सेंसस की तरफ से नहीं कराया गया, अलग से उन्होंने कोई एनजीओ से कराया था, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। तो हम समझते हैं कि जिसकी इस देश में संख्या ज्यादा है उनको लाभ मिले, इसलिए जाति जनगणना की आवश्यकता है, क्योंकि जब सेंसस रिपोर्ट बनती है
उसमें सारे संसाधन गिने जाते हैं, यहाँ तक कि पशुओं की जनगणना होती है, पशुओं में भी कौन कौन प्रजाति के पशु हैं उनकी होती है, मकान दुकान से लगा के नौकरी चाकरी खेत खलिहान से लगा के सारा कुछ उसमें चर्चा में रहता है। तो जाति जनगणना क्यों नहीं, ये सवाल हमारे देश के खास तौर पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी हमारी स्वर में स्वर मिला के जी सिंह जी को बधाई देता हूं। हमेशा इन्होंने विशेषज्ञों को और देश के जो जाने माने लोग हैं, जो चिंतक हैं, उनको इस कोरोना काल में भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इन्होंने सवाल उठाने का काम किया है, उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। तो हम लोगों ने जो सवाल रखा, क्योंकि गृह मंत्रालय इसकी माउंटिंग करता है, तो ये सरकार, हम चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की देखें, दोषी तो सबसे पहले वही है। जाति जनगणना कलम हटा के धर्म का कलम कर दिया। अब अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हैं, सवाल हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो 1947 के पहले से ही 1947 से खत्म कर दिया गया था जाति जनगणना कराना, इसलिए हम नहीं करा सकते हैं, ये साफ मना कर दिया। संविधान के संविधान में जो है व्यवस्था है कि सभी वंचितों को, सबको सामाजिक और शैक्षिक भागीदारी मिले। हम समझते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सारी व्यवस्था की, और यह हुआ कि 50% ज्यादा आरक्षण नहीं हुआ। आर्थिक आधार का कहीं पे कालम नहीं था जी। जो समान वर्ग का व्यक्ति है आज गरीब है, एक महीने बाद अमीर हो सकता है। अगर उसने लाभ ले लिया, अमीर हो गया, तो उसका पैमाना कहाँ चला जाएगा? या कोई आदमी अमीर है गरीब हो जाएगा? इसका कोई आर्थिक पैमाना संविधान में नहीं है। लेकिन बहुमत की एनडीए सरकार ने पूरी तरह से बिना मांग किए हुए, जो लोग, जैसे हम सीधी बात कहें मोटे मिसाल की, जो जो आदमी पहले से भी उसको भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, उसको बिना मांगे उसको मलाई दे रहे हैं कि ले 10% और मलाई ले लो, रस मलाई ले लो, खा लो। और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा पास हुआ, राष्ट्रपति जी मोहर लगा दिए और तुरंत सभी सेक्टरों में लागू हो गया, अनुसूचित जात ओबीसी का कोटा। 8 सितंबर 1993 को केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण लागू किया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, वहां नगण्य है, सेंटर की जो सर्विसेज हैं वहां नगण्य है, 6% 7% से आज भी कोटा पूरा नहीं। केवल राजनीति, जब कोई चुनाव आता है तो हम किसी पार्टी का, किसी वर्ग का नाम नहीं लेंगे। लोग, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता दूं कि जब चुनाव आता है तो लोग किसी बिंद समाज के घर में खाना खा लेते हैं और कहते हैं कि दलित समाज के यहाँ भोजन किया तो सारा दलित बिंद समाज का वोट, जो बेलदार के नाम से जाना जाता है, उसको परिभाषित करने की मांग के लिए आ रही थी। चाहे केवट मल्ला है मझवार को परिभाषित करने का मामला हो, चाहे हमारे धीवर धीवर धीमर तुरहा को परिभाषित करने का मामला हो, ये जो मामले हम लोगों के चल रहे थे, तो सारा का सारा वोट कन्वर्ट हो जाता है और ये हो जाता है कि भाई इतने बड़े नेता हमारे यहाँ भोजन कर लिए। और जब उसी समाज का भी सम्मान निषाद पार्लियामेंट के अंदर माननीय अमित शाह जी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने सवाल रखता है कि ये जातियां पहले से 1950 से अनुसूचित जात में उत्तर प्रदेश में है, तो इनको परिभाषित कर दीजिए, इनको भी भागीदारी मिले। वोटिंग कराई, 3 घंटे बहस कराई, तो उन्होंने खिलाफ में उठ दिया और हमारा जो पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल था गिर गया। तो
लोग चुनाव के लिए कुछ करते हैं और पार्लियामेंट कानून बनाने के कुछ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो सवर्ण का आरक्षण है उनके लिए 10% का कोटा केवल सरकारी नौकरियों में नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जो एजुकेशन सेंटर है, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें भी, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है जो प्राइवेट है, उनमें भी सवर्ण का 10% आरक्षण है। लेकिन ये जो बहुजन के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, जो आपस में कहते हैं नहीं हम बहुत ही इनके शुभचिंतक हैं, इनके लिए प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में नहीं, एजुकेशन में नहीं है। तो जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, NDA के साथ हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि हम तो पार्लियामेंट के अंदर मांग करते हैं, अभी राष्ट्रपति भाषण हुआ उसमें हमने मांग किया, विभिन्न नियमों में मांग करते हैं कि अगर अगर 10% सवर्ण का प्राइवेट सेक्टर में, SC ST 10% सवर्ण का आरक्षण है प्राइवेट सेक्टर में, तो SC ST OBC का क्यों नहीं, ये होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं, हम अगर नहीं मांग करते हैं इसका मतलब है कि आप अपने समाज को नुकसान करते हैं। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है कि जो पहले से संविधान में 50% की व्यवस्था थी, 50% को जो है लांग करके 60% कर दिया गया आरक्षण। तो हम लोग चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। हम तो कहते हैं, मांग करते हैं कि भाई हम किसी का आरक्षण या किसी जाति वर्ग विशेष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी गिनती कर ली जाए, जो 2021 में जनगणना होने वाली है उसमें मैंने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति अभिभाषण में मैंने मांग रखी कि जो जाति जनगणना का प्रोफार्मा उसमें कालम कालम धर्म के बाद जो है तो जाति का बना दिया जाए, जिससे कि उनकी गणना हो जाए और ये पता लग जाए कि कितने सेंट्रल नौकरियों में हैं, कितने गवर्नमेंट नौकरियों में हैं, कितने उनके पास जमीन है, कितना उनके पास व्यापार है, कितना एजुकेशन में है, हर सेक्टर में पता चल जाए कि उनके कितने भागीदारी है, उसी के आधार पर उनको सभी साधन संसाधन में भागीदारी मिल जाए। ये सीधा सवाल है। लेकिन जो लोग मठाधीश पहले से कुंड जमा के बैठे हुए हैं, पूरे सारे संसाधनों मुट्ठी भर लोग कब्जा करके बैठे हैं, वो नहीं चाहते ये SC ST ये OBC के लोग जिनकी संख्या देश में 54% से ज्यादा है, इनको अधिकार मिले। लेकिन हमारे लोग धर्म के आधार पर भटक जाते हैं। एक सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता है सर, बोलिए। दिसंबर 2018 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने जो है ये घोषणा किया था कि हम 2021 की में जो है OBC की काउंटिंग करेंगे। और क्यों किया था? क्योंकि 4 साल बीत गए थे तो उनको याद नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि 19 में चुनाव होने वाले थे तो उन्होंने दिसंबर में ये घोषणा किया और उसके बाद OBC ने झूम करके वोट दिया। ये वोट देने का एक जरिया इन्होंने लिया, OBC वोट देगा इस ये आशा के साथ शायद ये काउंटिंग कराएंगे OBC की। लेकिन अब सरकार बनने के बाद जब OBC ने झूम करके वोट दिया तो सरकार भी बन गई, तो क्या OBC को उनकी काउंटिंग कराने के लिए इस सरकार में बैठे हुए लोग जो इस विचारधारा के हैं, क्या वो सरकार से कहेंगे कि जो है OBC की काउंटिंग कराए? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सिंह जी, आपने प्रश्न भी किया और प्रश्न का जवाब भी दे दिया। जवाब ये कि जब जब चुनाव आते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी, चाहे राजनाथ सिंह जी हों और चाहे जो सत्ता में बैठे हुए केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार वाले लोग हों, जब लास्ट टाइम रह जाता है तब कहते हैं हम आपको अधिकार देंगे, चुनाव हो गया इसके बाद भूल जाते हैं, फिर वो वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। तो जिस तरह से इन लोगों ने पिछड़ों का आरक्षण देने की बात कही थी, जब योगी जी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर से सांसद थे, लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि हम 17 जातियों को, निषाद कश्यप बिंद समाज के लोगों को, इनको हम जो है परिभाषित कराएंगे, इनको आरक्षण का लाभ देंगे। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो माननीय अखिलेश यादव जी ने परिभाषित करने का काम केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का काम भेजा था, वो तो कोर्ट से स्टे हो गया था। कोर्ट ने जब इन्होंने कई साल तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोर्ट ने कहा भाई इसको इनका इसका इम्प्लीमेंट कराइए,
उसके इम्प्लीमेंट में कोर्ट के इम्प्लीमेंट में इन्होंने आदेश जारी किए सभी जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को, तो प्रमाण पत्र जारी तो नहीं हुए, लेकिन तुरंत थावरचंद गहलोत जी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का बयान आ गया, मैं भी पार्लियामेंट में था राज्यसभा में, मैंने सवाल रखा तो मेरी बात नहीं सुनी गई, मैंने जीरो और प्रश्न रखा था, मैं सामने खड़ा था, लेकिन सतीश मिश्रा जी की बात सुनने के लिए उन्होंने पीछे से गए और उन्होंने कहा कि हम इस बात का जवाब देंगे, आप हमें बोलने का मौका दे दीजिए। मैं देख रहा था कि सतीश मिश्रा जी पीछे से गए और थावरचंद गहलोत जी से कह के आए, उन्होंने उनको मौका दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, कोर्ट में मामला पेंडिंग है और ये जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को आदेश दे दिया गया है। उनका तुरंत बयान आ गया कि राज्य सरकार को पावर नहीं है, केंद्र सरकार को है, संविधान में संविधान के अनुच्छेद 341 में जो है इसका जो है संशोधन होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो जब जब कोई लाभ देने की बात आती है तो तुरंत इसको ये लोग किसी न किसी बहाने से उसको करने का काम करते हैं। आपको याद होगा कि मैं तो लगातार 1992-93 में जब राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश का बना था जी, तो उस समय से लगातार हम लोग प्रश्नों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भी लिखा पढ़ी सब करते रहे, और जब जब बड़े मंच आए, हम लोगों ने गाजीपुर में सम्मेलन किया, जौनपुर में सम्मेलन किया, शायद 8 सितंबर 1995 था, और 26 सितंबर 1995 बांदा में निषाद सम्मेलन किया गया था। हम लोगों ने वहां भी मांग रखी कि हमारा आरक्षण हमको मिलना चाहिए, तो हम लोग लगातार मांग करते चले आए, विधानसभा में रहे 4 बार, तो वहां मांग किया, और उसी का प्रयास रहा कि 4-5 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने केंद्र को संसदीय भेजी, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी जो है दुश्मन पार्टी कहें या लाभ ना देने वाली, जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो तुरंत पहले ही कैबिनेट बैठक में राम कुमार जी उनके सेक्रेटरी थे, तुरंत केंद्र सरकार भी जितनी संस्तुतियां गई थी वापस मंगाने का काम किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये आरक्षण का सवाल है वो ये केवल भ्रमित करने के लिए और केवल हम लोगों को जो है कि लाभ ना मिले, जो मांग करेंगे, जो भूखे लोग हैं उनको रोटी नहीं मिलेगी और जो भूखे नहीं थे उनको 10% का आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर मिल गया, जो कि संविधान में नहीं था। संविधान का भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी 124वां संशोधन जो है कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से मैं उसमें भी बताना चाहूंगा, आपने चर्चा चूंकि छेड़ दी है उसमें भी देखिए दो तरह की व्यवस्था है। अगर सवर्ण गरीब है उसको आरक्षण 10% का मिलेगा, उसकी आय की सीमा 8 लाख है गरीबी की। अगर हमारा बहुजन का आदमी, SC ST OBC का आदमी इंदिरा आवास बनवाने जाएगा, प्रधानमंत्री आवास के लिए या राशन कार्ड के लिए या पेंशन के लिए अप्लाई करेगा या भीकर सेक्शन की जो भी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए अगर प्रमाण पत्र बनवाएगा, आय का इनकम सर्टिफिकेट बनवाएगा और उनके लिए लागू होगा, तो उसका जो है शहरी क्षेत्र में शायद 1 लाख का है और 70,500 ग्रामीण क्षेत्र का है वार्षिक। गरीब सवर्ण है 8 लाख का, जो इंकम टैक्स में के दायरे में आता है वो गरीब कहलाएगा, और जो बहुजन के लोग हैं जो अपना वोट दे करके इनकी सरकार बनाते हैं, इनको प्रधान से लगा के प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनकी गरीबी रेखा के लिए 1 लाख की सीमा या 60,000 की सीमा वार्षिक है। ये अंतर है तो हम चाहते हैं कि अंतर खत्म होना चाहिए। अगर 8 लाख की गरीबी है तो 8 लाख की SC ST OBC के लोगों को भी 8 लाख की गरीबी होना चाहिए, उनको भी सारे संसाधनों में भागीदारी मिलना चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि कोई पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए या किसी उसके लिए अप्लाई करता है, लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उसके लिए अलग अलग पैमाना हो। ये हम बताना चाहते हैं कि समय समय पर इन लोगों ने चुनाव के लिए हमको प्रयोग किया है और जैसे चुनाव चला गया तो हमारी बात खत्म हो जाती है ये मामले। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपने ये कही कि गरीबी की रेखा के जो मानक हैं और अमीरों के अमीरी मानक हैं, जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो गरीबी के मानक है वो कम हैं और सवर्णों के लिए गरीबी के मानक जो है बहुत तकड़े हैं। ये कहाँ से देखेगा 8 लाख की आमदनी वाला वो गरीब है, यहाँ 15-25 रुपए पर डे कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है, ये इस तरह की विसंगतियां ये सब देखने को मिलती है।
सर ये जो सवाल आज हम उठाए हैं कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए, तो ये आपने एक सिद्ध किया कि जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक ये साफ मुझे लग रहा है कि आपने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा जातिगत जनगणना की मांग आपने उठाई है, तो अभी जून में संभावना है कि जातिगत जनगणना होने वाली है, जनगणना होने वाली है, तो क्या उसमें जाति का कलम रखा जाएगा? क्या हमारी पार्टी के संगठन के अन्य जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए सर? जी मैंने अभी बजट भाषण में भी पार्लियामेंट में अपनी बात रखी थी, आपने सुना होगा, मैंने वहां भी जाति जनगणना की बात कही थी और जाति जनगणना के जो प्रोफार्मा है उसमें जाति का कालम जोड़ने की बात मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से बात रखने का काम किया था। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो भी चाहते हैं कि संख्या के हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारे आबादी के हिसाब से हमको भागीदारी मिले और 2021 की जनगणना में जो है जातिवार जनगणना होना चाहिए। ये मामला हम लोग लगातार उठा रहे हैं, सड़क से लगाकर जो है सदन तक ये मामला उठा रहे हैं, लेकिन हमारे सभी लोगों को यहाँ दिल्ली में वी द पीपल के लोग हैं वो साथी हमारे लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग करते हैं और ये मामला आता है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, चूंकि जिस तरह से नौकरियों में 13 पॉइंट रोस्टर लगा दिया जाता है कि पता चला कि 50% से ज्यादा जो है आरक्षण मतलब पहले से था और रोस्टर के चक्कर में मुश्किल से जो है 2 या 3 सीटें पहुंचती है 13 में SC और OBC के लिए और बाकी सारी सीटें 13 में 8 सीटें सवर्ण के लिए चली जाती हैं। तो इस तरह से मैं अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारी अभी कल मीटिंग थी HRD मंत्रालय की और उसको कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मानव संसाधन मंत्रालय की जगह मैंने वहां भी सवाल पूछे थे क्योंकि आप प्रोफेसर हैं इस विद्यालय से जुड़े हैं तो वहां जो चोरी हो रही है तो मैंने सवाल पूछे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की श्रेणीवार संख्या क्या है जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो जिससे पता चल जाएगा कि कितने इनके पद हैं। और फिर उसमें मैंने सवाल किया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का श्रेणीवार बैकलॉग रिक्तियां कितनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में चयन समिति द्वारा उपयुक्त न पाए जाने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का पदवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण सवाल था जो आज डिजिटल इंडिया में कोई फॉर्म भरो सारा ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन देश का केंद्रीय विश्वविद्यालय देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो रिजर्वेशन का रोस्टर रजिस्टर को जो है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाता है जी। वो विश्वविद्यालय की अगर वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा रोस्टर तो रिजर्वेशन का तो पता चल जाएगा लोगों को, लोग उससे निकाल लेंगे और अपनी संख्या के आधार पर भागीदारी मांगेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से हकमारी जो है हमारे SC ST OBC के लोगों की हो रही है और खास तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो बिल्कुल नगण्य है। और हम तो लगातार मांग करते हैं कि हमारी जो है जो आरक्षण मिला था बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया था, बहुत से हमारे साथी जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो चतुर्थ श्रेणी से लगाकर हायर नौकरी तक आए हैं और यहाँ तक कि मैं भी अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होता हूँ बोलने के लिए तो मैं भी एक गर्व से के साथ कहता हूँ कि अगर संविधान न होता, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान न बनाया होता तो विशंबर निषाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में न होते और उनको चुनाव लड़ने का अधिकार न मिलता। इसी तरह से जितने भी हमारे लोग हैं जो नौकरी पाए हो सोचते हैं हम अपनी योग्यता के आधार पर आ गए हैं, उनको गलतफहमी है। आज सारा प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों को आरक्षण का फायदा ना मिले, आपकी जिस कास्ट से आते हो आपको जाति पेशा के आधार पर आपको सीमित कर दिया जाए और आपकी हकमारी हो। इसलिए हमको सबको एक होकर के इस मांग को कि आबादी के हिसाब से हमको भागीदारी मिले। और जितने लोग हैं ये भ्रमित करते हैं, मैं अपने लोगों से खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम कितने 33,743 जातियों में हम लोग बटे हुए जी, जिन लोगों ने जातियां बनाई है उनको तो फायदा हो रहा है जी, और हम लोग जातियों बटे हमारा नुकसान हो रहा है। हम सोचते हैं कि कश्यप जी हमसे छोटे हैं, कश्यप जी सोचते हैं कि निषाद जी हमसे छोटे हैं और निषाद जी सोचते हैं कि हम बिंद से बड़े हैं,
अरविंद कहता हम केवट से बड़े हैं, वो केवट कहता है कि नहीं हम कुशवाहा से बड़े हैं, कुशवाहा कहता नहीं हम निषाद से बड़े हैं, प्रजापत कहता है नवीन से बड़े हैं, कुर्मी कहता है नहीं हम तो यादव से बड़े, यादव कहता है हम कुर्मी से बड़े, बड़े कोई नहीं है साथियों, हम जितने भी बहुजन के लोग हैं सब जो हम 85% में सबके साथ हकमारी हो रही है। और अभी तक आरक्षण का कोटा जो 27% का था 1993 में लागू हुआ था, अभी तक मुश्किल से 9-10% अभी तक पूरा हो पाया है। तो जब चुनाव आता है तो कह देते हैं भाई जब सरकार बन जाती है मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की, सारा सारा फायदा जो है यादव ले गया, यादव ले गया तो 11% भाई आरक्षण क्यों है, 27% क्यों नहीं पूरा हुआ, बाकी लोग कौन से 11-10 के बाद 17% जो या 16% आरक्षण जो आपका शेष अभी बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको कौन साहब लिए हुए हैं, समाज के लोग लिए हैं, इसकी भी चर्चा वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारे लोगों को ये कह देते हैं कि नहीं ये तो यादव जी ले गए, इसी तरह एससी में कह देते हैं मायावती की बिरादरी के लोग सारा सारा शेड्यूल कास्ट ले गए तुमको नहीं मिला, उनका भी आरक्षण की स्थिति है। राज्यवार अगर देख लिया जाए आज भी आरक्षण का कोटा जो है 11-12% से 13% से ज्यादा नहीं है, और जबकि इसके लिए कानून बना है, दंड का प्रावधान है, यहाँ तक कि बड़े जोर शोर के साथ पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट के साथ पार्लियामेंट में कहा कि मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने जा रहा हूं, और जो सुविधाएं जो अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग को होगा सारी सुविधाएं सारा जो है अधिकार वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को होगा। और जब पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है तो हमारे एक साहनी जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए, मैंने पार्लियामेंट में सवाल रखा तो उनको सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया गया। जब सेक्रेटरी उनके अंडर में रहेगा, सचिव रहेगा, जब सेक्रेटरी के बराबर पावर रहेगा तो सेक्रेटरी क्यों भाई सुनेगा। आज तक ये एनडीए की सरकार ने अभी तक कैबिनेट मंत्री का दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन को नहीं दिया, इसलिए कोई भी निर्णय नहीं हो पाता, कोई फाइल सचिव करता नहीं है, कोई काम हो ही नहीं रहे। और बीपी शर्मा कमेटी बना दी गई और क्रिमिनल लगा दिया गया कि अब आय की गणना अब आपकी कृषि की, वेतन की, आपकी गाय बैल भैंस की, आपकी अन्य इनकम किराए की सारी इनकम जोड़ दी जाएगी, तो चपरासी के बेटा भी कोई नौकरी नहीं पाएगा, ये व्यवस्था कर दी गई है। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा जैसे लेटरल एंट्री का बड़ा शोर है आजकल जो है, ये लेटरल एंट्री करके जो है जो हमारी प्रतिभाएं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रही है तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा कुठारा जाता है, लेटरल एंट्री से सेक्रेटरी का पद भरने का जो आजकल रिवाज चला है उसमें कहीं एससी एसटी ओबीसी की कोई भागीदारी का सवाल नहीं होता। इस पर भी आप जो है दो शब्द कहें कि ये मामला बड़ा घोटाला है, इधर ईडब्ल्यूएस करके सारा भर लिया, उधर से ये लेटरल एंट्री करके सारा भर लिया, क्या उसमें जो है इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा झटका इस ओबीसी इतने बड़े जन समुदाय वाले ग्रुप को जो दिया जा रहा है, ये कहां तक न्याय संगत है। जी बहुत अच्छा सवाल आपने ये रखा है, मैं जी सिंह जी आपको बधाई देता हूं, आप जो चैनल चलाते हैं उसे बधाई देना चाहता हूं। जी इसके संबंध में मैंने पार्लियामेंट में सवाल रखने का काम किया था, आज पहले 9 भर्ती की गई, 9 ज्वाइंट सेक्रेटरी भर्ती किए गए। वीडियो हमारा ठीक नहीं आ रहा क्या? सर एकदम अच्छा है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप चलो चालू है सर, आप जारी रखिए अपनी बात, नेटवर्क की वजह से हो जाता है कोई बात। 21 नवंबर 2019 को जी मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल रखा था, विज्ञापन के आधार पर सीधी भर्ती जो है जी की जा रही है, और उसमें जो है केवल वर्ग विशेष के लोगों को भरा जा रहा है, जी ये कोई बात नहीं, ठीक हो जाता है, ये नेटवर्क की वजह से हो जाता है, आप जारी रखिए अपनी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मेरा राज्यसभा का जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब में देखिएगा 21 नवंबर 2019 का प्रश्न आवर में
मैंने प्रधानमंत्री जी बैठे थे जी और उनके मंत्री राज्य मंत्री जो प्रधानमंत्री कार्यालय संबद्ध हैं जितेंद्र सिंह जी बैठे थे। जी मैंने सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी सवाल दागा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप करीब 450 भर्ती सीधे लेटर एंट्री के माध्यम से विज्ञापन के आधार पे सीधी भर्ती करने जा रहे हैं, इसमें ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण नहीं कर रहे, क्या हमको बताएंगे इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हकमारी हो रही है? यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए बच्चे कितना परेशान होते हैं, चाहे जिस वर्ग का हो, 9-10 साल तैयारी में लगता है, तैयारी के बाद कभी प्री निकाला तो मेंस नहीं निकाल पाए, मेंस निकाला तो इंटरव्यू में, इंटरव्यू में तो एससी एसटी ओबीसी के लोग तो वैसे निकाल दिए जाते हैं। उसका कारण है कि जब द्वापर में द्रोणाचार्य जी ने वीर क्लब को बिना शिक्षा दिए जो है गुरुदक्षिणा में उनका अंगूठा ले लिया, तो आज तो सभी विश्वविद्यालय में सभी इंटरव्यू में और जितने भी संस्थान सब जगह जो है द्रोणाचार्य बैठे हैं, बच्चों के नंबर काट लेते हैं इंटरव्यू में, बच्चों के नंबर काट लेते हैं उनके परीक्षा में, तो कैसे बच्चे आगे जाएंगे, कैसे पास हो पाएंगे? तो ये सारे सवाल मैंने जब माननीय प्रधानमंत्री से मैंने पूछा कि आप आरक्षण का क्यों भाई वो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सिंगल कार्डर है, ये सिंगल कार्डर पे भर्ती होती है, इसमें कोई वो नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है, और इसमें अभी से नहीं हुआ, कांग्रेस के जमाने में कोई एक ज्वाइंट सेक्रेटरी भरा गया था। उसका उदाहरण दिया कि ये 1900 कुछ बताया, मुझे याद नहीं है, 90 के बाद की कोई डेट बताइए मेरे, उसमें जब आप खोलेंगे यूट्यूब खोलेंगे 21 नवंबर 2019 का प्रश्नावर का तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तब से चली आ रही है, हम तो वही परंपरा निभा रहे हैं और उसी के आधार पे हम लोग विज्ञापन निकाले हैं, 9 लोगों को सीधे भर्ती कर लिए हैं, 10 लोगों का विज्ञापन निकाला था, अब 30 लोगों को भर लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब सीधे विज्ञापन के आधार पर ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया जाएगा जो विशेषज्ञ नहीं है, मैं एक घटना भी, चूंकि अभी 18 तारीख को एक मेरी मीटिंग थी सिविल एविएशन की, एयर इंडिया बिक रहा है, एयर इंडिया घाटे में, और माने हमारे पुरी साहब जो है सरदार जी मंत्री थे, मैंने उनसे पूछ लिया कि माननीय मंत्री जी एयर इंडिया घाटे में है, आप बताते हैं कि 6,000 करोड़ का साल में घाटा हो रहा है, बंद एयरलाइंस रही कोरोना काल में तब भी 6,000 का है, और जब चलती तब भी 6,000 का है, तो मैंने सुना है कि विशेषज्ञ के नाम पर सरकार ने कुछ भर्तियां 30 लोगों की है, क्या हमारे इस मंत्रालय में भी कोई विशेषज्ञ है जो इस मामले में माहिर हों और आपको एयर इंडिया की कुछ बताएं कि जिससे आप कुछ नफे में आ जाए, कुछ ऐसे आदमी को बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप, हाँ हाँ आप पूछ रहे हैं इसके बारे में तो मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे अभी एक अधिकारी है और दुबे जी बैठे हैं सामने, और तो मैंने कहा क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लोन विभाग में हमने इनको कर दिया है लोन देखने के लिए, जब घाटे में चल रहा तो काहे में आप लोन दोगे भाई, काहे के विशेषज्ञ हो। तो हमारा सीधा इसमें सवाल है कि एनडीए सरकार सीधे आरएसएस के लोगों को नागपुर से ले जाती है, जिनको जिनको चाहते हैं उसको भर देते हैं, उनका श्रीमान का चेहरा फक पड़ गया, जैसे हमने सवाल पूछा कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि सिविलेशन में एयर इंडिया को, कहां आप काम करते थे और आपका क्या योग्यता है कि आप एयर इंडिया कुछ फायदा पहुंचाएंगे? तो वहां मंत्री ने जवाब नहीं दिया और आगे मामला बढ़ा दिया गया। तो पूरी तरह से ये जो सीधी भर्ती है ये बहुजनों की हकमारी है, एससी एसटी ओबीसी के कोटा की हकमारी है, और यहाँ तक कि सभी जो ब्रिलियंट लड़के पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और जो आईएएस लाबी है उनके लिए भी है, सीधे जब कैबिनेट में कैबिनेट सेक्रेटरी में ज्वाइंट सेक्रेटरी में सीधे भर्ती हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे? जी जी बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने। और वो लोग, वो जब सारा देश प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है
उसमें आरक्षण को ही खत्म करने की योजना है पूरी तरह से, और इनके पीछे हमारे जो मेहनत का समाज है, जो गरीब गुरबा समाज है, जो मेहनत करने वाला है, उसी का सबसे ज्यादा नुकसान है इसमें। जी सर, जैसे ये भी आपने कहा कि हकमारी जो हो रही है, जो हकमारी करने का काम किया जा रहा है जो सत्ता में बैठे लोग, यहाँ एक सवाल और मेरे सामने बनता है। जैसे स्वतंत्र भारत हुआ, अंग्रेज चले गए यहाँ से और सत्ता यहाँ के लोगों के हाथ में आई, और जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उन्होंने इस ओबीसी एससी एसटी के जो वर्ग के जो लोग हैं उनको धीरे 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 जो है उसी तरह से किक मारने का काम किया जिस तरह से पहले हो रहा था। और आते आते यदि हम देख लें, जो दोस्ती दुश्मनी की बात चल रही थी, ये एक तरह से दिखावा किया जा रहा था ओबीसी को हम हक देंगे, तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ, लागू होते ही सार मंडल कमीशन और 27% की घोषणा होते ही सार, वो जो है उनकी जो मानवतावादी सोच थी वो जो है दुश्मनी वाली सोच में बदलती दिखाई दी। तो इस संबंध में जो है, जो आज जो है, जो एक चेहरा जो है, एक चेहरा जो सामने बड़े बड़े मंत्रियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े जो है साथ में काम करने वालों का, उनकी नीतियां दृष्टिकोण सारा का सारा क्या इस पिछड़े वर्ग के विरोध में दिखाई दे रहा है? जी सर, देखिए आप ये बात सही कह रहे हैं कि आज पूरी तरह से जो हकमारी बहुजन समाज के लोगों की हो रही है, आज अगर आप पूरे देश के सभी सेक्टरों में देखेंगे, ए श्रेणी और बी श्रेणी में तो नगण्य है, और जितने सरकारी उपक्रम हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें तो एक भी 1% भी एससी एसटी ओबीसी का व्यक्ति नहीं जो निर्णय करता है, सीधे जो है 1,000 करोड़ का लोन पास कर देता है, सीधे जो है किसी को ठेका दे देता है, सीधे किसी को बाईपास नौकरी दे देता है। तो हर सेक्टर में हकमारी जो है एससी एसटी ओबीसी के लोगों की गई है। जी, हम इसमें ये कहना चाहते हम ये जी, इसमें ये कहना चाहते हैं इसके लिए हमें सब लोगों को, जो हम लोग जातियों में बटे हैं, अपने अपनी बात करते हैं, अपनी तमाम पार्टियां बना रखे हैं, तमाम लोग हैं, इस मामले में हमको, हम सब लोगों को एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, सारे पार्टी से उठ करके, जाति धर्म से उठ करके हमको बात करना पड़ेगा। नहीं तो सीधे हमको बता देते हैं कि भाई हिंदू हो तो मंदिर भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो, आप राम मंदिर में चंदा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो आपका सीधा ध्यान उधर घुमा देंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां लॉकडाउन में चली गई, लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लोग बीमारी पैसे के भाव में बीमार होकर मर रहे हैं, दवा के भाव में मर रहे हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन कहते हैं देखो हमने जो है मुसलमानों को ठीक कर दिया कि नहीं कर दिया, पाकिस्तान को ठीक कर दिया कि नहीं ठीक कर दिया, गाय गोबर की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कुल मिला करके जब हम भूखे होते हैं तो हमको जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात बता के हमको पेट भरने का काम किया जा रहा है, उससे पेट भरने वाला नहीं है। तो हमारे लोगों को जगना पड़ेगा कि हमको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें आबादी के हिसाब से हमें भागीदारी चाहिए, ये सवाल है। इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। जी, आज किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं इसका जो है, ये किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं सर, इसमें इसके बारे में कुछ बताइए। पूछा, एक सवाल आया है हमारे साथी का, मंत्री जी से पूछिए, आदरणीय सांसद जी से पूछा जाए कि जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आपकी क्या योजना है, उनका क्या आप समर्थन कर रहे हैं क्या है इस तरह का? जी, विशंबर प्रसाद निषाद एक किसान के हिसाब से, मैं भी किसान हूँ जी, और एक लायर एडवोकेट भी हूँ और पॉलिटिशियन भी हूँ, तो मैं अपनी तरफ से और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन के साथ में है, और जो 3 काले कानून ये बिल बनाए गए हैं ये केवल उद्योगपतियों के दफ्तर से बन करके आए हैं, यहाँ तो केवल इन्होंने कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया है। वो 3 कानून क्या है? पहला कानून है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बना दी जी। हमारी छोटी छोटी जोत को ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े उद्योगपतियों को देना चाहते हैं।
बड़े उद्योगपति स्थापित हो जाएंगे जी, हमारी हमारी खेती ले लेंगे जी, फिर हमसे कांटेक्ट हो जाएगा तो हम अपनी फसल उन्हीं के आड़त में बेचने का काम करेंगे, उन्हीं की दुकान से खाद लेंगे, उन्हीं की दुकान से बीज लेंगे, जो अभी किसान को डायरेक्ट छूट मिलती है फर्टिलाइजर की है, सीड की है, वो फर्टिलाइजर सीड की सीधी छूट जो है कंपनी को मिलेगी, हमको नहीं मिलेगी, हम उनसे उधार लेंगे, इसके बाद जब हमारा पेमेंट आएगा तो अपना पैसा काट करके फिर हमको पेमेंट करेंगे। मान लीजिए बाजार में गेहूं 2000 रुपये क्विंटल है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनसे 1300 में 1400 रुपये में हो गया, तो हम 1300-1400 रुपये में देने के लिए मजबूर होंगे 20 साल 25 साल जितने तक के कॉन्ट्रैक्ट उनका हो, हम बाजार में 2000 में नहीं बेच सकते। उन्होंने दूसरा कानून बना दिया कि भाई हमने किसानों के लिए फ्री कर दिया है कि किसान पूरे देश में कहीं भी मार्केट में जाकर के बेच सकता है, तो दोनों विरोधाभास कानून हो गया। हमको आपने पूंजीपति के साथ उद्योगपति के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बांध दिया है, उनके गोदाम बन जाएंगे, उनकी आड़त बन जाएंगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हम उनकी फसल वो हमारी खेत से उठा लेगा, तो हम कैसे ए, ए, कैसे उत्तर प्रदेश का किसान जाके पंजाब में या महाराष्ट्र में बेच पाएगा, हम तो अपने अपने गांव की बाजार में भी नहीं बेच पाएंगे। तो ये कानून तो उनका उल्टा हो गया, ये तो ये कानून सही है, ये तो वो कानून सही है, ये दो बात मैं आपके सामने रखें। तीसरा जो है काला बाजारी के लिए इन्होंने स्टोरेज वाला कानून, पहले जो आवश्यक वस्तु अधिनियम बना था कि बहुत से बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं जो खाद्यान्न सामग्री है स्टॉक कर लेते थे, फिर बाद में महंगाई बना देते थे, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि प्याज 100 रुपया किलो 200 रुपया किलो हो गया, आलू अभी 80 रुपया किलो बिक गया, आज बाजार में 5 रुपया किलो 6 रुपया किलो। तो किसान चाहता है कि हमारी भी उपज का जो है एक निश्चित जो है एक सीमा होना चाहिए कि उससे ज्यादा घटेगा बढ़ेगा नहीं। इस तरह से हम मान लीजिए किसी कंपनी पाले कंपनी का बिस्किट है 10 रुपये का बिस्किट मिलता है, अगर हम उस दुकानदार से कहते हैं कि भाई मेरे मुझे 8 रुपये का बिस्कुट दे दे, चलिए 9 का दे दे, तो वो कह देगा कि मेरा चाहे चूहा खा जाए बिस्किट, चाहे सड़ जाए, तो लेकिन मैं 10 रुपये से एक पाई आपको कम नहीं दूंगा। तो किसान भी चाहता है कि जो एमएसपी का कानून है हमारे लिए एक कानून का गारंटी का कानून बन जाए, तो जो हमारी 80 रुपये किलो आलू है फिर 5 रुपये किलो आलू हो रही है, तो एक सीमा पे रहे कि 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो 20 रुपये किलो जो भी तय हो जाए गेहूं का चावल का, जैसे धान धान की फसल के हाल है 900 रुपये कुंटल जो है 800 रुपये कुंटल धान खरीदा जा रहा और 1860 रुपये जो है एमएसपी है। तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता हैं जो किसान हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप अपना एमएसपी पे क्या धान बेच पाए हो, क्या बताओ आप कितना एमएसपी बेच पाए हो? अभी तक का पूरा रिकॉर्ड है कि केवल एमएसपी पे 6% देश का किसान जो है सरकारी खरीद पे सरकारी केंद्र में खरीद केंद्र में बेच पाता है। तो कौन सी आपके पास मोदी जी गारंटी है कि जब 6% गवर्नमेंट खरीद पाती है तो प्राइवेट को आप 100% एमएसपी पे कैसे हमारा किसान बेच पाएगा? सवाल ये पैदा होता है, इसीलिए किसान धरने पे बैठा है, किसान चाहता है कि एमएसपी के लिए एक गारंटी कानून बने। और ये तीनों काले कानून बनाए गए हैं, एक तो विरोधाभास आपने बना दिया, एक बना दिया कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उद्योगपति के जो कॉन्ट्रैक्ट मिले उसके साथ बन जाएंगे, उसी को आपको जितने में कॉन्ट्रैक्ट हो देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको पूरे देश में ई मार्केटिंग की सुविधा है, चाहे जहां बेचोगे। अरे भाई जब उनसे ठेका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उनका समझौता हो जाएगा, लिखा पढ़ी हो जाएगी 30 साल 25 साल की, तो हम बाजार में कैसे ले जाएंगे? वो तो हमको जेल भेज देगा। अगर रात में हम अपना माल कोई फसल तोड़ के ले गए, वो तो कह देगा हमारा आपका समझौता है, पुलिस से बंद करा देगा। और तीसरा मामला ये कर दिया कि आदमी न्यायालय पे जा सकता था, तो सिविल न्यायालय से बाहर कर दिया कि आप एसडीएम शिकायत कर सकते हो या डीएम के अपील कर सकते हो। तो जब चेक बाउंस होंगे, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि अभी 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के आसपास जो है एक काले धान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई। आप पता लगा लीजिए, काले धान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप गूगल पे सर्च करिए। तो एक अभिषेक बाफना थे,
उनकी एक कंपनी थी माजीसा कंपनी, ऐसे कुछ नाम था, प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उन्होंने 26 रुपया में धान किसान का काला धान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, एक साल 26 रुपया दिया, और दूसरे साल उन्होंने सारा धान खरीद लिया, और खरीदने के बाद जो है सारे लोगों को चेक दे दिया और कंपनी फरार हो गई, दफ्तर में ताला लग गया। आज छत्तीसगढ़ का किसान, बिलासपुर के 7 जिले का किसान काले धान जो पैदा करता था, आज भूपेश बघेल सरकार को घेराव कर रहा है कि हमारा ये पैसा दिलाइए। चेक बाउंस हो गए, कोर्ट में गए तो ना तो उस दफ्तर का पता है, ना उस बैंक खाते का पता है, और जो कंपनी ने पता दिया था वो भी गोल है, तो किससे वसूली करेगा बैंक, किससे मुकदमा लड़ेंगे? तो सारा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है सीधा सीधा जो है छत्तीसगढ़ की काले धान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण है कि इस तरह से हो रहा है। तो इसलिए किसान जो है पूरे देश का किसान आंदोलित है और वो चाहता है कि तीनों काले कानून वापस हो और एमएसपी के लिए कानून बने। बहुत बहुत धन्यवाद, इससे संतुष्ट हो गए भाई हमारे रंगवा साहब जो है ना। एक सवाल और आया सर, क्योंकि ये सवाल हमारी लाइन से हट करके है। देखिए ये सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सर, इस पर ध्यान दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत पिछड़ी जाति रंगवा को जानती है? ये रंगवा जाति जो है बलिया के कुछ एरिया में पाई जाती है, तो इस पर जो है इन्होंने सवाल पूछा। आपसे तुरंत कहने के लिए कहा, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ क्योंकि हमारे बहुत ही पुराने जो है साथी हैं और इस चैनल के माध्यम से काम भी करते हैं, हमारा काम भी आगे बढ़ाते हैं। रंगवा जाति को क्या जानती है जी? देखिए मैं, पार्टी तो हमारे हर जिले में है, संगठन है, हर वर्ग के लोग हमारे पार्टी संगठन में है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो पार्टी संगठन में हो ना हो। तो हम इनको ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कोशिश ये करती है कि हर वर्ग को जो है उनको सम्मिलित किया जाए संगठन से लगा करके। और अब इस बार माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उनकी संख्या के आधार पे उनको भागीदारी मिले, चाहे पदों के संगठन में हो चाहे राजनीतिक संगठन में हो। तो हर वर्ग के लिए हमारी पार्टी जो है पूरी तरह से कटिबद्ध है। और जो आपने सवाल किया है तो उनको अगर कोई शिकायत हो, कोई अगर भागीदारी नहीं मिली हो तो आप बताएं, हम माननीय अखिलेश यादव जी कहेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। जी जी थैंक यू सर। अब ये मेरा दूसरा सवाल है कि ये बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर जो है, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और युवा बेरोजगार होकर के भटकता दिखाई दे रहा है, जिस युवा को इतने सपने दिखाए गए थे, वो युवा आज जो है हमसे पूछने लगा है कि आप अपने चैनल के माध्यम से युवा संवाद नहीं कराते और ये नहीं कहते कि जो है हम क्या करें, अब जो है हमारे लिए कौन सा रास्ता है इस तरह से, जो रोजगारों को युवाओं की जो एक बेरोजगारी की खोज जो है पैदा हो गई है और उनके जो सपने थे वो सारे चकनाचूर होते दिखाई दे रहे, खाली एक किनारा है युवाओं का, उनको रोजगार के साधन नहीं मिल पा रहे, उनको क्या करना चाहिए तो? जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को बधाई जो लाइव आप दिखाते हैं सब लोगों को जी। जो बेरोजगारी के आंकड़े लोकसभा चुनाव के बाद आए थे आप याद करिए, चुनाव के समय 2019 का जो लोकसभा का चुनाव रहा दबा दिए गए, आजादी के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बेरोजगार होने का आंकड़ा जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उसने पेश किया था। अगर ये शायद आंकड़ा चुनाव के पहले आ गया होता तो देश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को पुनः मोदी जी को सत्ता में न बैठाता, और पहले तो 15 लाख के चक्कर में चला गया और इस बार जो कह दिया कि 2 करोड़ हर साल लोगों को नौकरी देने काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब 7 साल होने जा रहे हैं, करीब मई से 7 साल हो जाएंगे, तो 7 दुनी 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि करोड़ों लोगों की नौकरी जो है निजीकरण करने से, जो देश के करीब 32 सरकारी पीसीयूज हैं वो प्राइवेट हो रहे हैं, निजी कंपनियों के हाथ में जा रहे हैं, आपका BSNL बिक रहा है, एयर इंडिया बिक रहा है, आपकी LIC को बेचा जा रहा है, इस तरह से हर सेक्टर को बेचा जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, मैंने भी सवाल पार्लियामेंट में किया था, उत्तर प्रदेश जल निगम जो आपको पानी पिलाने का काम करता है, चाहे हैंडपंप का पानी पिलाए, चाहे आपको टूटी का पानी पिलाए, टंकी बना करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा है, आज वो लोग जो है
जितने उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी तनख्वाहें जो है उनकी पेंशन 18 महीने से नहीं मिली। आज वो धरना प्रदर्शन सब करें, मैंने उनकी मांग पार्लियामेंट में जोर शोर से रखने का काम किया कि जो उत्तर प्रदेश के जल निगम के लाखों कर्मचारी हैं उनको पेंशन मिले, उनकी जो बकाया पड़ी है पेंशन कंटिन्यू की जाए, उनको वेतन दिया जाए जो उनको कई महीने से वेतन बकाया है। इसी तरह से हर सेक्टर में नौकरियां गई हैं और उनको काम नहीं मिल रहा। जो लॉकडाउन में लोग प्राइवेट कंपनियां छोटी छोटी कंपनियां थी प्राइवेट सेक्टर में भी आज वो लोग भी नहीं रख रहे। जब सारे सरकारी उपक्रम निजीकरण हो जाएगा तो नौकरी कौन देगा? नौकरी तो मालिक अनुकंपा पे देगा। उसका मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। रेलवे में जो वेंडर है ठेके पे थे, कितने देश में सफाई कर्मी हैं, अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस हैं, इनमें सब में नर्सिंग स्टाफ से लगा करके डॉक्टर से लगा करके सारे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अब एक नया फार्मूला चल गया कि पहले तो भाई कंपनियां ही केवल प्राइवेट कंपनियां ही नौकरी देती थी, अब प्राइवेट कंपनियों में नौकरी लोगों को मिलती थी, अब प्राइवेट कंपनियों को नौकरी का ठेका दे दिया गया कि अब सरकारी जो है कोई चुनाव नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, प्राइवेट कंपनियां को हम दे देंगे। सरकार कह देगी कि हमारे 1 लाख लोगों को भर्ती करना है। अब वो लोग 1 लाख की भर्ती में क्या करेंगे? मैं उदाहरण बता दूं, मेडिकल कॉलेज बांदा में अभी 2 साल पहले एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला। लोगों ने सोचा कि मेडिकल कॉलेज सरकारी है, उनके एजेंट घूम रहे थे, उन्होंने कहा कि फोर्थ क्लास के लिए 50,000 और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 लाख, डॉक्टर के लिए 2 लाख, इस तरह से उन्होंने रेट बना दिए और कहा सरकारी नौकरी है और इसमें आप आ जाइए। लोगों ने 50,000 1-1 लाख दे करके नौकरी पा गए। 2 साल बाद उसका ठेका चला गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको जो 15,000 रुपया ठेकेदार को मिलता था वो 5,000-6,000 में रखे हुए था, तो 2 साल उन्होंने फ्री नौकरी कर दी और ठेकेदार को पैसा दे दिया। अब दूसरा ठेकेदार आके उसने निकाल दिया। तो हमारी केंद्र की सरकार अब पूरी तरह से उन ठेकेदारों को प्राइवेट सेक्टर को नौकरी के लिए ठेका देने जा रही है कि वही नौकरी निकालेंगे, वैकेंसी निकालेंगे और वही नौकरी भरेंगे, वो बैग से पीछे से पैसा लेंगे और पैसा लेके 15,000 रुपया गवर्नमेंट से लेंगे, 5,000 रुपया में सिक्योरिटी गार्ड से लगा करके वो रखेंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी और बढ़ेगी। नौजवान हमारा, जैसे हमारे बुंदेलखंड में किसान जब यहाँ अन्ना प्रथा है, जानवर जब उनके खेत चल जाते हैं, अभी कई किसान जो है यहाँ रात में रखवाली कर रहे थे और पता चला सुबह गए खेत में तो जानवर सारा गायें जो है गाय या सांड चर गए, तो वहीं खेत में ही फांसी लगा के मर गए। तो अब नौजवानों के साथ जो बेरोजगार नौजवान है, सुसाइड करने के अलावा कोई उनके पास उपाय नहीं रहेगा, उनके साथ भुखमरी हो जाएगी, उनके साथ जो है बेरोजगारी समस्या हो जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्र बनाए, उनको परमानेंट कर दिया और जैसे योगी जी आए उन्होंने नौकरी खत्म कर दिया, तो तमाम बच्चे सुसाइड कर लिए मर गए शिक्षा मित्र। उसी तरह से जो है आज पूरे देश में जो है प्राइवेटाइजेशन करके ये डबल इंजन की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह जो है केंद्र की नौकरियों में ये नौजवानों की नौकरी छीन रही है और उनको गुलाम बनाने की, उनको केवल खाने पे, जिस तरह से पहले ये लोग धान की रुपाई कराते थे तो चवेना देते थे, चवेना में परेठा और चना तल के दे देते थे और दोपहर में खाना दे देते थे। जैसे मुझे ध्यान है पहले लोग जो राजगीर है जब मकान बनाने जाते थे उनको भी खाना पे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को खाना दिया जाता था, उनसे उनका मकान बनवाया जाता, छप्पर छवाया जाता था और अपना खुशी खुशी घर चले जाते थे। तो अब आगे ऐसा मुझे समय आ रहा है कि हमारे नौजवान जो लोग जो केवल खाना पा जाएंगे तो उसी में अपने मालिक का दुआ मनाएं कि हमारा मालिक बहुत अच्छा है, कम से कम हमको जिंदा तो रखेंगे, भूखों तो नहीं मर रहे। अब वो नौबत आने वाली है अगर ये हमारा देश का नौजवान, हमारा बहुसंख्यक समाज नहीं चेता और जो है अपने हक अधिकार पे आबादी के हिसाब से उनको भागीदारी नहीं मिली, तो ये समय आने वाला है, इनकी सारी नौकरियां जाएंगी।
आज लिटिल टिंटी के नाम पे हो, चाहे अन्य उसके नाम पे हो, हमारे बहुजनों का शोषण हो रहा है, न थाने से लगाकर कहीं सुनाई नहीं हो रही, आज देख रहे हैं जी, जी, बड़ी हालत खराब। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जो अंतिम सवाल है, वो क्योंकि समय भी हमारे पास होने वाला है। एक श्रम कानूनों में जो संशोधन किया गया है इस लॉकडाउन के दौरान, जो है जो श्रम कानूनों में जो बदलाव किया गया है, और एक तरह से जो श्रम कानून जो है श्रमिकों को गारंटी देते थे, बहुत धन्यवाद आपको जी जी, ये जो किया गया इस पर जो है बहुत बहुत धन्यवाद जी सिंह जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। मैं चूंकि आप प्रोफेसर हैं, विशेषज्ञ हैं, भारतीय संविधान 1950 में बना, देश 1947 में आजाद हुआ, उसके पहले देश में बंधुआ प्रथा थी, बंधुआ मजदूरी थी, बंधुआ मजदूरी कानून हटाने के लिए कानून बना। पहले 16 घंटे काम में मजदूरी मिलती थी, जब संविधान बन गया तो 8 घंटे कर दिया गया, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अब ये हमारी डबल इंजन की सरकार और सुशासन की सरकार हो, चाहे बिहार की हो चाहे हमारे जो सबका साथ सबका विकास की सरकार जो है, केवल किसान के साथ धोखा नहीं कर रही, श्रमिकों के साथ भी धोखा किया है। कि पहले गुजराती भाई जो अपनी कंपनियों में मजदूरों से यूपी बिहार के भाइयों से काम कराते थे, तो वो लोग अपना 12 घंटे काम कराते थे तो 8 घंटा हो जाता था उनका, 8 घंटा का 400 रुपया, और अगर 4 घंटा और कर लिया तो 4 घंटे की एक ड्यूटी और हो गई तो 800 रुपया मिल जाता था। अब उनको 400 रुपये में ही 12 घंटे कराना पड़ेगा। तो श्रम कानून करीब 40 जो श्रम कानून थे उनको जो है समाप्त करके ऐसे काले कानून श्रमिकों के लिए बनाया है कि अब उनको 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, और अब कभी भी मालिक जो है जब चाहेगा उनको निकाल देगा। पहले यह था कि अगर उन्होंने 365 दिन नौकरी कर ली है, बीच में ब्रेक नहीं है, तो अपना कोर्ट जा सकता था, वो अपना उसका पीएफ फंड भी कटेगा, उसका मेडिकल भी मिलेगा, उनकी अगर 300 संख्या अधिक है तो अपना परमानेंट के भी क्लेम कर सकते थे। अब तो उन्होंने सीधे मालिक के ऊपर कर दिया कि मालिक की कृपा हो तो मालिक जब तक रखे, जब तक ना रखे, नाराज हो जाए, चाहे 20 साल का पुराना एम्प्लॉय हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, वो सबके लिए बराबर कर दिया, जब चाहे मालिक निकाल दे और जब चाहे रखे। तो हमारे जो है मालिक इस देश का जो हमारा बहुजन समाज है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, हमने फिर से लोकतंत्र जो है राजा को अधिकार दे दिया कि राजा साहब जब तक आपकी कृपा होगी तब तक हम जिंदा नहीं, जब आपकी कृपा नहीं होगी तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, ऐसा कानून बना दिया। तो एक पूरी तरह से काला कानून श्रमिकों के लिए बनाने का काम किया है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। और हम अपील करते हैं देश के सभी साथियों से कि अभी तो हमारे किसान भाई जो है तो आंदोलन कर रहे हैं, अब श्रमिक संगठन जितने हैं पूरे देश में आंदोलन प्यार है, और उनकी भी मांग है कि जितने का ये डबल इंजन की सरकार जो है, यूपी जो एनडीए की सरकार है जिन्होंने कानून बनाया है, श्रमिकों के विरोध में कानून बनाया है, वापस होने चाहिए। अब पहले छात्र संघ छात्र यूनियन से लीडर बनते थे, छात्र संघों के भी चुनाव खत्म कर दिए गए, अब हमारे स्टूडेंट जो है छात्र संघ में भाग नहीं ले सकते, वहां भी खत्म कर दिए गए। अब इसी तरह से प्राइवेट में कोई यूनियन नहीं होगी, प्राइवेट में कोई यूनियन नहीं होगी, सरकारी उसमें यूनियन थी, अगर सरकार काम नहीं करती थी हड़ताल कर देते थे और अपनी मांग करते थे, सरकार झुकना पड़ता था और उनकी मांग मानना पड़ता था, जायज मांग मांगना पड़ता था। तो आज वो भी इनके इनके अधिकार से छीना जा रहा है, ऐसा कानून बना देंगे कि वो देशद्रोह लगा देंगे, जो जो मालिक के साथ रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो उसको जेल भिजवाएंगे, कहेंगे या तो हमारे यहाँ फ्री में काम करो या खाने में काम करो या तो जेल जाओ, जैसा आज देश में चल रहा है कि अगर हमारे साथ आ रहे हो तो ईमानदार हो, अगर हमारे साथ नहीं हो तो बेईमान हो, तुम जेल जाओ। आज चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में देखने को मिल रहा है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी भी गंगा में नहा लिया तो वो जो है तो हरिश्चंद्र हो गया, और अगर विपक्ष में है तो बेईमान है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बखूबी बहुत ही तर्कसंगत तरीके से अपनी बातों को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमको सुझाव भेजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, जो दर्शक हैं हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी कोई बात हो तो मुझे बताने काम करें, मैं आपकी आवाज जो है देश की संसद में पार्लियामेंट में गरीब गुरबा की आवाज, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, जो लिखना नहीं जानता है, उनकी आवाज बनकर मैं पार्लियामेंट में उठाने काम करूंगा। जिसको न्याय नहीं मिलेगा उसको न्याय दिलाने की मांग करूंगा। और मेरा नंबर जी सिंह जी से ले लीजिएगा और मैं लगातार जुड़ा रहूंगा, जब भी कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताएं, मैं पूरी तरह से आपकी बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये कार्यक्रम अभी इस वक्त होता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।